हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है गेस्चर मोशन सेट कैसे करें और इसका यूज़ कैसे करते हैं वो बताऊंगी। यानी कि स्मार्ट मोशन कहते हैं इसे, और किसी किसी फ़ोन में लिखा रहता है स्मार्ट मोशन और किसी में लिखा रहता है गेस्चर मोशन या फिर स्क्रीन ऑफ गेस्चर। और इसके बाद यहाँ देखेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो बताऊँगी। तो इन सभी को ऑन करके रखिए एंड इसे भी, और इसके बाद आपका एम बनाने से रिकॉर्डिंग ओपन होगा, डब्ल्यू बनाने से आपका व्हाट्सएप मैप होगा ओपन, और वी बनाने से फ्लैश लाइट ऑफ बनाने से कैमरा ओपन होगा। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आपको ऑफ करना है स्क्रीन, और इसके बाद आपको वी बनाते हैं तो आपका फ्लैशलाइट ओपन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे फ्लैशलाइट ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में इसका यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस पर क्लिक कर देंगे बटन पर तो आपको फ्लैशलाइट ऑफ हो चुका देख सकते हैं। और इसके बाद मैं और ओ बनाती हूँ तो आपका कैमरा ओपन होगा। इस प्रकार से ओ बनाना होगा आपको, देख सकते हैं सही से बनाना होगा। तो इस प्रकार से आपका कैमरा ओपन हो चुका है। अगर आप भी ऐसा फीचर चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से करते हैं। और देख सकते हैं मैं एम बनाती तो आपका रिकॉर्डर ओपन होगा, तो इसमें नहीं है सही से। और इसके बाद हम डब्ल्यू बनाते हैं, देखते हैं जो आपकी में होगा वही आपका ओपन होगा। देख सकते मैप ओपन हो चुका है, तो एम आपको ढंग से बनाना होगा तब ये ओपन होगा। और इसके बाद आप सेटिंग को ओपन करेंगे गेस्चर मोशन को सेट करने के लिए। और इसके बाद आपको यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन कैन एनिमेशन टूल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको नेविगेशन पर क्लिक करना है, और सॉरी फ्रेंड्स, आपको गेस्चर मोशन पर क्लिक करना था। और इसके बाद आपको स्क्रीन ऑफ गेस्चर पर क्लिक करेंगे और इन सभी को ऑन करके रखिए। अगर आपने गेस्चर ऑफ कर रखी तो आपका वो सभी ऑन नहीं होगा, उसे ऑन करें और उन सभी को भी ऑन कर दिया अगर आपका ऑफ है तो। और इसे मैं ऑफ कर रखी हूँ और बाकी को ऑन, तो देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में इसका यूज़ कर सकते हैं और स्मार्ट मोशन कहते हैं इसे। और अप स्लाइड करने से आपका लॉन्च कैमरा सेटिंग्स ओपन होंगी, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो आपका ये ओपन हो चुका सेटिंग। और इसके बाद आपको नीचे की साइड करते हैं तो क्या ओपन होता पता नहीं, और देख सकते हैं अभी नहीं है वो ऑप्शन। तो आप ढंग से एम बनाएंगे तभी आपका रिकॉर्डर ओपन होगा, देख सकते हैं ओपन हो चुका है। तो ये इन सबको ये मतलब जो जो आपके में है ऑप्शन आप वही ड्रॉ करेंगे तो आपका वो होगा। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में स्मार्ट मोशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर उसे ऑफ़ कर देंगे तो आपका नहीं होगा, तो उसे ऑन करके रखिए तभी आप यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट मोशन का। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।